भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने गुरुवार को मुंबई क्राइम ब्रांच के साइबर सेल में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि इंटरनेट पर चल रहे फेक एडवर्टाइजमेंट में उनके नाम, फोटो और आवाज़ का इस्तेमाल किया गया है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में IPC की धाराओं 420, 465 और 500 के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और IT अधिनियम की संबंधित धाराएं शामिल है। सचिन की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने जाँच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेंदुलकर की तरफ से शिकायत उनके पर्सनल असिस्टेंट ने दर्ज कराई है। शिकायत में यह कहा गया है कि इंटरनेट पर चल रहे एक फेक एडवर्टाइजमेंट में सचिन का नाम, फोटो और आवाज़ का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही विज्ञापन में नीचे लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट को खुद सचिन ने रिकमेंड किया है। इसके जरिए लोगों से ठगी की जा रही है। सचिन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। सचिन के फोटो का गलत इस्तेमाल का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले पिछले साल गोवा के बिग डैडी नाम के कसिनो ने अपने प्रमोशन के लिए सचिन की इजाज़त लिए बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी फ़ोटो का इस्तेमाल किया था। सचिन ने उसकी जानकारी भी सोशल मीडिया के जरिए दी थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।